नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने ही चैनल रिच टॉक पर। दोस्तों, ये मेरी आज बिजनेस की पहली क्लास है। ये NTA नेट कॉमर्स वालों के लिए बहुत ही विशेष कर ये क्लास मैंने बनाई है। इसमें हम आज बात करेंगे बिजनेस के बारे में, बिजनेस का नेचर और पर्पज़ के बारे में। आपको जैसा कि पता ही है कि इंटरनेशनल बिजनेस और बिजनेस इन्वायरमेंट, ये दो जो मेन टॉपिक हैं आपके, ये आपके आते ही आते हैं NTA नेट के एग्ज़ाम में। लेकिन इससे पहले मैं उन दो टॉपिक की क्लास डालूं, उससे पहले मैंने ये ज़रूरी समझा कि बिज़नेस होता क्या है। बिल्कुल एक जो बेसिक जानकारी होती है, जैसे कि हम क्लास 11 से पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो एक जो बेसिक जानकारी है कि बिजनेस आखिर है क्या, इसकी करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसका नेचर क्या है, तो इस वीडियो में मैं आज आपसे इसी बारे में डिस्कस करूँगा। बिल्कुल बेसिक से हमारी ये सारी बातें होंगी, हर एक तथ्य की आपको जानकारी इस वीडियो में मिल जाएगी। ये मेरी आज पहली क्लास है, इसके बाद मैं और भी क्लासेस डालूंगा, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले अगर हम बिजनेस के कॉन्सेप्ट की बात करें, द टर्म बिजनेस इज डिराइव फ्रॉम बिजी। दोस्तों, जो बिजनेस वर्ड है वो बिजी से लिया गया है। दस बिजनेस मीन बींग बिजी, जिस चीज़ में एक ह्यूमन बींग, जो एक मनुष्य है, वो व्यस्त रहता है, उसी को हम एक बिजनेस कहते हैं। जैसे कि हाउ एवर इन अ स्पेसिफिक सेंस बिजनेस रेफर्स टू एन ऑक्यूपेशन इन विच पीपल रेगुलरली इंगेज इन एक्टिविटीज रिलेटेड टू परचेज प्रोडक्शन एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद अ व्यू टू अर्निंग प्रॉफिट। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ जो आपको पता ही होगा कि कोई भी अगर व्यक्ति काम करता है, कुछ भी काम करता है, चाहे वो बिजनेस करे, प्रोफेशन करे या कहीं पे जॉब करे, वो किस चीज़ के लिए करता है? पैसे के लिए। लेकिन बिजनेस की भाषा में इसको कोई सैलरी या वेजेस तो मिलती नहीं है, तो यहाँ पे जो मेन एक मोटो होता है वो क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। बिजनेस किस चीज़ से लिया गया दोस्तों? बिजी वर्ड से। बिजी रहने का मतलब व्यस्त रहना। अब व्यक्ति व्यस्त कहाँ रहेगा? चाहे वो परचेस करने में हो, चाहे प्रोडक्शन में हो, चाहे सेल ऑफ गुड्स हो यानी कि माल बेचने में हो, या फिर सर्विस देने में हो। यदि कोई व्यक्ति कोई भी प्रोडक्शन कर रहा है और उसको आगे जाके मैन्युफैक्चर करके कुछ सामान बेच रहा है, तो वो भी बिजनेस है। और बिजनेस सर्विस में भी डील करता है कि अगर कोई बंदा किसी चीज़ को सर्विस दे रहा है और उसके बदले कोई पैसा ले रहा है, तो भी बिजनेस है। लेकिन इसका जो मेन मोटिव है वो क्या होता है? अर्निंग प्रॉफिट। जिस चीज़ का जो मेन मोटो रहेगा कि अर्निंग प्रॉफिट, कि प्रॉफिट हो, उसी को हम कहेंगे कि ये बिजनेस है। और इसके अलावा क्या चीज़ हो सकती है? द एक्टिविटी में कंसिस्ट ऑफ प्रोडक्शन और परचेस ऑफ गुड्स फॉर सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू सेटिस्फाई द नीड ऑफ अदर पीपल। नीड ऑफ अदर पीपल, ऐसी कोई भी एक्टिविटीज़ जिसमें परचेस या सेल हो आपकी, या एक्सचेंज आप करते हैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें दूसरे की, जिसको आपने की है, उसकी ज़रूरत हो, नीड हो, और आप उसको क्या करें? सेटिस्फाई करें। दिस इज कॉल्ड द बिजनेस। इन एवरी सोसाइटी पीपल अंडरटेक वेरियस एक्टिविटीज टू सेटिस्फाई देयर नीड। दीज एक्टिविटीज में बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इंटू टू ग्रुप, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। दोस्तों, ये बहुत ही एक मेन चीज़ है कि दो तरीके की हमारी समाज में एक्टिविटीज़ होती हैं, या तो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है या फिर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी दोस्तों वो होती है जहाँ पे उद्देश्य आपका लाभ कमाना होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, पैसा कमाना होता है। और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन सी है? जहाँ पे आपका उद्देश्य लाभ कमाना नहीं हो। जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि इकोनॉमिक एक्टिविटी आर दोज बाय विच वी अर्न आवर लिवलीहुड, वेयर एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर दोज परफॉर्म आउट ऑफ लव, सिंपैथी, सेंटीमेंट। यानी कि नॉन इकोनॉमिक में कोई पैसे की बात नहीं होती, वहाँ सिर्फ प्यार, भावनाएँ, सिंपैथी, सेंटीमेंट के आते ही हम सारे काम कर देते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में कि अगर आप मान लो कोई रोड आप किसी को, सीनियर सिटीजन को आप पार करा रहे हो, तो दिस इज एन नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉट इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इसी के अलावा जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ कि एक डॉक्टर है जो कि अपने क्लिनिक में ऑपरेट कर रहे हैं, या एक मैनेजर है जो कि अपने ऑफिस में है, एक टीचर स्कूल में पढ़ा रहा है, ये सब अपने किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? ये धन कमाने के लिए कर रहे हैं, अपनी लिवलीहुड यानी कि जीवन यापन के जो साधन है उसके लिए कर रहे हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज़ कौन सी होती? इकोनॉमिक। इसी के ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ अगर कोई हाउसवाइफ है, वो अपने घर परिवार के लिए खाना बना रही है, या एक लड़का किसी ओल्ड मैन को रोड क्रॉस करवा रहा है, तो ये किस तरीके की एक्टिविटीज़ है? नॉन इकोनॉमिक। तो दोस्तों, हमने क्या समझा? बिजनेस बिजी वर्ड से लिया गया है। बिजनेस जिसमें व्यस्तता रहे, गुड्स एंड सर्विस के बीच एक्सचेंज हो, प्रोडक्शन हो, जिसको वो आगे
बेचे, मेन मोटो प्रॉफिट कमाना, दो तरीके के एक्टिविटीज़ हैं, इकोनॉमिक नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक में पैसा कमाना है और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जहाँ पे पैसे कमाने की बात नहीं हो। तो इसी के बाद इसमें कुछ करैक्टरिस्टिक भी आती हैं बिजनेस एक्टिविटीज़ की। बिजनेस एक्टिविटीज़ की सबसे पहली तो आपकी यही करैक्टरिस्टिक्स है कि एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जो कि अभी हमने बात की है कि भाई बिजनेस में तो सबसे पहले मोटो ही यही होता है कि आपको प्रॉफिट कमाना है, तो जहाँ पे प्रॉफिट कमाने की बात आएगी वो ऑटोमेटिक अपना इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ तो बनी जाएगी। तो एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज़ द फर्स्ट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। बिजनेस इज कंसिडर्ड टू बी एन इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिकॉज इट इज़ अंडरटेकन विद द ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग मनी और लिवलीहुड एंड नॉट बिकॉज ऑफ लव अफेक्शन। क्योंकि जहाँ पे बिजनेस है वहाँ पे प्यार वगैरह या सेंटिमेंट की बातें तो हो नहीं सकती, नहीं तो बिजनेस फिर चल नहीं पाएगा। इसके अलावा दोस्तों बिजनेस की क्या क्या और क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं ये भी हम बात करते हैं। इसके बाद जो दूसरी सर्विस या फिर एक्टिविटी, जो दूसरी करैक्टरिस्टिक्स विशेषता है बिजनेस की, वो क्या हो सकती है? प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि माल का बनाना और जो भी आप डील करते हैं गुड्स में या सर्विस में वो भी एक बिजनेस ही है। बिफोर गुड्स आर ऑफर्ड टू पीपल फॉर कंजम्पशन दीज मस्ट बी आइदर प्रोड्यूस्ड और प्रोक्योर्ड बाय बिजनेस एंटरप्राइजेस। दस एवरी बिजनेस एंटरप्राइजेस आइदर मैन्युफैक्चर द गुड्स इट डील्स इन और इट एक्वायर देम फ्रॉम प्रोड्यूसर टू बी फर्दर सोल्ड टू कंज्यूमर और यूजर। मतलब इसमें ये वाली चीज़ है दोस्तों कि आप जैसे कोई कंपनी अगर वो माल बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है, आगे अपना प्रॉफिट ऐड करके बेच देती है, तो ये भी बिजनेस है। और या फिर अगर आप किसी सर्विस वगैरह में डील करते हैं, कोई माल को आप आगे सप्लाई करते हैं, बेचते हैं जाके, और उसमें कुछ आपका कमीशन बनता है या फिर उसमें आपको कोई प्रॉफिट होता है, तो वो भी आपका बिजनेस ही है। मतलब आप दूसरों को उनके नीड के अनुसार कोई अगर सर्विस देते हैं या गुड्स देते हैं तो वो भी आपका एक तरह का बिजनेस ही है। दस इसमें आगे ये और भी कई चीज़ें हैं। गुड्स में कंसिस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम ऑफ डेली यूज, शुगर, घी, पेन, नोटबुक। बिजनेस किसी भी चीज़ में गुड्स के रूप में हो सकता है, चाहे घी हो, पेन हो, नोटबुक हो, किसी भी चीज़ में हो सकता है। तो मतलब ये डेली नीड्स वाली चीज़ें हैं। और कुछ कैपिटल गुड्स भी होते हैं, कैपिटल जैसे मशीनरी, फर्नीचर। अब ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ये तो आपकी जो ऊपर की चीज़ें हैं ये डेली नीड्स वाली होती हैं, जो आप रोज़ खरीदते हैं, पेन रोज़ खरीदना होता है, या आप राशन की सब्जी या फिर घी वगैरह रोज़ लेते हैं। कैपिटल गुड्स वो होता है जो आप कभी कभार लेते हैं, तो कैपिटल गुड्स में भी आपका बिजनेस होता है, और जो डेली नीड्स की चीज़ें होती हैं उसमें भी आपका बिजनेस होता है। कैपिटल गुड जो आप कभी कभार लेते हैं, जैसे फर्नीचर आप कभी लेते हैं, मशीनरी आप कभी कभार लेते हैं, तो जो बिजनेस है वो दोनों तरीके के गुड्स में होता है, कैपिटल गुड्स में भी और जो डेली नीड के गुड्स हैं उसमें भी। इसके बाद थर्ड करैक्टरिस्टिक्स क्या कहती है? सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। वही चीज़ आ गई जो हमने ऊपर देखी थी कि सेल, तो देखो अगर सेल अगर कोई कंपनी है और वो बिजनेस कर रही है किसी चीज़ का, तो सेल तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ही है। सेकेंड थिंग है एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एक्सचेंज, अगर आप कोई गुड्स का एक्सचेंज करते हो या सर्विस एक्सचेंज करते हो तो उसमें भी आपका बिजनेस है। जैसे कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बिजनेस इन्वॉल्व ट्रांसफ़र और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर वैल्यू। इफ़ गुड्स आर प्रोड्यूस्ड नॉट फॉर द पर्पज ऑफ सेल बट से फॉर पर्सनल कंजम्पशन इट कैन नॉट बी कॉल्ड अ बिजनेस एक्टिविटीज। जैसे कि अगर आपने कोई माल का प्रोडक्शन किया है लेकिन वो बेचने के लिए नहीं किया, अपने पर्सनल कंजम्पशन के लिए किया है, तो वो कोई बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो सकती। जैसे कि कुकिंग फूड एट होम फॉर द फैमिली नॉट बिजनेस। जैसे कि अगर आप खाना बना रहे हो घर पे अपने खाने के लिए, तो ये कोई बिजनेस नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन अगर आप इस कुकिंग को आप बाहर कोई रेस्टोरेंट खोलते हो, वहाँ बाहर पे किसी को बेचते हो, तो वो एक तरीके का बिजनेस हो सकता है जहाँ पे सर्विस और गुड्स का एक्सचेंज हो। फोर्थ करैक्टरिस्टिक्स क्या है ये भी देख लेते हैं। डीलिंग्स इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑन अ रेगुलर बेसिस। ये बहुत ही मेन चीज़ है, रेगुलर बेस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे कि आप सोच सकते हैं कि अगर मैं घर का अपना कोई फर्नीचर उठा के बेच दूँ, 10,000 का मैंने लिया और उसे मैंने 15,000 में बेच दिया, तो क्या वो बिजनेस है? नहीं, क्योंकि आपका जो मेन मोटो है, जो मेन आपका काम है, वो ये नहीं था। जो बिजनेस होता है वो गुड्स और सर्विस में रेगुलर बेसिस पे होता है। अगर आप रोज़ किया, आपका काम ही यही है फर्नीचर खरीदना बेचना, तब मैं कह सकता था कि आपका ये बिजनेस है। लेकिन अगर आप घर का कोई सामान एक आध बार कोई बेच देते हैं तो वो आपका बिजनेस नहीं है। जैसे कि इसमें लिखा है बिजनेस इन्वॉल्व डीलिंग इन गुड्स और सर्विस ऑन अ रेगुलर बेसिस, यानी कि रेगुलर बेसिस पे होता है। वन सिंगल ट्रांजेक्शन ऑफ सेल और परचेज देयरफॉर डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट बिजनेस।
एक सिंगल ट्रांजेक्शन के बेस पे आप ये नहीं कह सकते कि आपने बिजनेस करना स्टार्ट किया है। जैसे कि अगर आपने अपने घर की कोई चीज़ बेची है, कोई प्रॉफिट में ही बेची है, तो वो आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ के तौर पर नहीं कही जा सकती है। इसके बाद दोस्तों और भी कई करेक्टरिस्टिक्स है, वो भी देखते हैं। जो नेक्स्ट एक्टिविटी, जो नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है दोस्तों, वो क्या है? प्रॉफिट अर्निंग। तो ये तो मैंने आपको वीडियो के स्टार्ट में ही बोल दिया कि बिजनेस एक्टिविटी तभी हो सकती है जब उसमें प्रॉफिट अर्न करने का कोई एक एम हो या उसकी कोई करेक्टरिस्टिक्स हो। नेक्स्ट है इसमें अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न। अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न मतलब कि पैसा वापस आएगा नहीं आएगा, तो इसकी अनिश्चितता यानी कि अनसर्टेनिटी बहुत है। यानी कि ये जो करेक्टरिस्टिक्स है ये किसके बेस पर है? रिस्क के बेस पे, कि बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क होता है वो तो हमें पता ही है दोस्तों, आपको ही पता होगा कि बिजनेस अगर करना है तो उसमें रिस्क तो होता ही होता है। तो एक ये करेक्टरिस्टिक्स ये भी है दोस्तों। इसके बाद एक बहुत ही मेन चीज़ है जिसकी मैं आप बात करने वाला हूँ, कंपैरिजन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट। दोस्तों ये क्या चीज़ होती है, बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट? क्योंकि अक्सर क्या होता है, हम इसमें डिफरेंस नहीं देख पाते कि बिजनेस क्या चीज़ है, प्रोफेशन क्या है और एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो इसकी भी दोस्तों हम बात कर लेते हैं, क्योंकि ये तीनों ही, चाहे आप बिजनेस को लो, चाहे आप प्रोफेशन को लो या चाहे आप एम्प्लॉयमेंट को लो, ये तीनों ही चीज़ें इकोनॉमी एक्टिविटीज़ में आती हैं। क्योंकि तीनों का उद्देश्य पैसा कमाना तो होता ही है, लेकिन फिर भी ये कुछ डिफरेंस है इनमें, और वो डिफरेंस क्या है इसकी भी हम बात कर लेते हैं। बिजनेस रेफर टू दोज इकोनॉमी एक्टिविटीज़ विच आर कनेक्टेड विद द प्रोडक्शन और परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स और सप्लाई ऑफ सर्विसेज विद द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो दोस्तों ये तो हम मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये बिजनेस एक ऐसी इकोनॉमी एक्टिविटीज़ है जहाँ पे प्रोडक्शन हो, परचेस और सेल हो, या फिर जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज का क्या होता हो, आदान प्रदान होता हो, और जिसका मेन मोटो क्या हो, अर्निंग प्रॉफिट। और लेकिन जब मैं प्रोफेशन की बात करता हूँ तो दोस्तों प्रोफेशन इंक्लूड दोज एक्टिविटीज़ विच रिक्वायर स्पेशल नॉलेज एंड स्किल टू बी अप्लाइड बाय इंडिविजुअल। प्रोफेशन में वही व्यक्ति होते हैं जिनके पास कोई एक स्पेशल नॉलेज होती है, जैसे कि डॉक्टर हैं, हम उनको बिजनेस नहीं कह सकते, डॉक्टर प्रोफेशनल हैं, या वकील हैं तो वकील भी क्या होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। मतलब जिनके पास एक अपना हुनर है, जिनके पास एक अपनी एक स्पेशल नॉलेज है, उनको हम कहते हैं कि वो प्रोफेशनल हैं। जैसे कि यहाँ पर भी बात की गई है कि लॉयर्स की बात की गई है या डॉक्टर की बात की गई है, तो ये जितने भी होते हैं इनको हम कहते हैं, जिनके पास एक स्पेशल नॉलेज है जिसके आधार पे वो पैसा कमा रहे हैं, तो उनको हम कहते हैं कि ये प्रोफेशनल है। अब एम्प्लॉयमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो एम्प्लॉयमेंट वो होते हैं जो जॉब करते हैं, जैसे कोई कंपनी में काम करता है, कोई क्लर्क है, कोई मैनेजर है, तो ये जो होती है चीज़ें ये एम्प्लॉयमेंट की होती हैं कि ये काम करते हैं। एक और चीज़ दोस्तों प्रोफेशन में ये चीज़ रह गई कि प्रोफेशन में जो आप, जैसे सिमिलरली लॉयर आर इंगेज इन द लीगल प्रोफेशन, लॉयर जो है आपके प्रोफेशनल होते हैं गवर्न बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया। अब जैसे कि इसमें सर्टिफिकेट का होना बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई एडवोकेट है तो जैसे उन्हें बार काउंसिल ऑफ इंडिया आपका वो सर्टिफिकेट देती है, जैसे सीए होते हैं तो उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट देता है, तो ये सर्टिफिकेट होना भी ज़रूरी होता है कि प्रोफेशन से आप किसी से जुड़े हुए हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई है तो लाइक करें, अगर बेकार लगी है, कोई कमी लगी है तो वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।